आप फरमाते हैं कि ये फलसफी फलसफा यूनान यहाँ से मुराद है, जिसको पैरवी करने वाले आगे चलते जाते हैं, जिनका बाबा आदम समझा जाता है कि वो सुक्राटस था, सुक्रात जिसको कहते हैं, और उसका शगिर्द जो नमाया हुआ उसको प्लेटो कहते हैं, अफलातून, और उसका आगे जो शगिर्द हुआ उसको अरस्तु कहते हैं, अरिस्टोटल। सुक्राटस, प्लेटो और अरिस्टोटल, सुक्रात या उसको बुकरात भी बाज ने कहा, अफलातून, और आगे जो है वो अरस्तु, और उसका आगे शगिर्द है सिकंदर आजम, मकदूनिया का, छोटी सी रियासत का छोटा सा हुक्मरान था, तिहाई दुनिया को उसने लताड़ लिया छोटी सी उम्र में। ये उस उस्ताद का कमाल था जो अरस्तु की सूरत में उसे मिला। उन्होंने इस कायनात के हवाले से बहुत सारी इल्मी बातें की। अब खुदा जाने वक़्त के साथ साथ उनमें क्या तहरीफात हुई, लेकिन मौजूदा दुनिया तक जो उनके फलसफे पहुँचे उसमें तमाम मुआशरती अलूम और तबई अलूम जो है कम बेश शामिल हैं। तो उनके फलसफे को, उसके अंदर देवी देवताओं का भी तसव्वुर है। बहुत सारे जो हैं इस कायनात को चलाने के लिए उन्होंने कहा बहुत से खुदा हैं, खुदैने भी वगैरह। ये हिंदू मज़हब के डांटे भी उन्हीं से मिलते हैं, जहाँ एक से ज़्यादा खुदाओं के तसव्वुरात हैं, या गैर इल्हामी जो फलसफा यूनान है। तो मुजद्दद पाक फरमाते हैं कि फलसफा यूनान जो है, उन्होंने जो मारफत की बातें की हैं वो मारफत अधूरी है, नाकिस है, नामुकम्मल है, इसलिए कि हर मारफत की इब्तदा भी सरकार की इत्तबा से शुरू होती है, इंतहा भी सरकार की इत्तबा पर जाती। आका तेरी मेराज के तू लोहो कलम तक पहुंचा, और मेरी मेराज के मैं तेरे कदम तक पहुंचा। नाजा है जिस पे हुस्न, वो हुस्ने रसूल है, ये कहकशां तो आपके कदमों की धूल है। ऐ रहरबानी शौक, यहाँ सर के बल चलो, तैबा के रास्ते का तो कांटा भी फूल है। चले जो हजरत मूसा तो कोहे तूर तक पहुँचे, बड़े जो हजरत ईसा तो चौथे फलक के पूर तक पहुँचे। नजर वालो जरा देखो मोहम्मद की बुलंदी को, चले बैतुल हरम से खुदा के नूर तक पहुँचे।